हाँ, फूलपति संत बख्श खुशबू कुमारी। हाँ, ये तुम्हारा आपकी बेटी बेटा है? नहीं। हाँ, बेटी बेटा नहीं है। राशन कार्ड था, कट गया, कैसे क्या हुआ पूरा? हमारा राशन कार्ड था, उसमें हमारा नाम नहीं चढ़ा था। हम नाम चढ़वाने को बोलते थे तो बोलते तुम्हारा एक ही काम है, हमें बहुत काम रहता है। और फिर उसके बाद बोले अच्छा तुम अपना प्रूफ दे दो, हम तुम्हारे नाम कार्ड करवा देंगे। प्रूफ पाते ही हमारा कार्ड बनवा दिए रसूलपुर शोभाराम के नाम, और हमें बनवा दिए एक हरिजन के घर में सदस्य बहू बना दिए। सूबे के मुख्यमंत्री डाल डाल तो यूपी के अधिकारी पात पात। राशन कार्ड में फर्जीवाड़े को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जैसे ही टाइट किया हंगामा मच गया। लोग खुद जाकर राशन कार्ड सरेंडर करने लगे। लेकिन अयोध्या के आपूर्ति विभाग की कहानी सुनकर आप भी माथा पीट लेंगे। पीट क्या लेंगे, खुद कहेंगे कि वाह रे यूपी के अधिकारी वाह। तो भैया हुआ ये कि यूपी तक की टीम राशन कार्ड फर्जीवाड़े की जांच करने अयोध्या के अलग अलग इलाकों में पहुंची। लिस्ट के हिसाब से हमारे संवाददाता बनबीर सिंह लोगों के घर जाकर उनसे बात करने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन जवाब जो मिला उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि यही तो है सरकारी व्यवस्था। लोगों से बातचीत में पता चला कि एक एक लोगों के कोटे में कई लोगों का नाम जोड़ दिया गया है, यानी जिसका एक बच्चा है उसके घर में चार बच्चे दिखा दिए गए हैं। यहाँ तक कि उस शख्स को भी नहीं पता कि उसके परिवार के नाम पर कई लोग राशन उठा रहे हैं और फर्जी तरीके से सरकार को चूना लगा रहे हैं। फूलपति संत बख्श खुशबू कुमारी। हाँ, ये तुम्हारा आपकी बेटी बेटा है? नहीं। हाँ, बेटी बेटा नहीं है। अच्छा, घर में कई लोग हैं? दो लोग हैं। तो राशन कार्ड के जो आपका चढ़ा है इसमें तो पांच लोगों का नाम चढ़ा है? उस राशन कार्ड जो है इसमें तो बताया गया कि फूलपति संत बख्श खुशबू कुमारी ये आपकी बेटी बेटा। हाँ, तो दो आदमी है तो पांच आदमी कैसे चढ़ गया? यानी ये सब फर्जी है, बेटी बेटा नहीं है? बेटी बेटा नहीं है तो क्या बताएंगे, बेटी बेटा है। अब चलिए आपको एक ऐसी ही महिला से मिलवाते हैं जिनके साथ गजब खेल हो गया। राशन कार्ड में पहले तो नाम चढ़ाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, बाद में उनका नाम किसी और के परिवार के साथ जोड़ दिया गया। राशन कार्ड था, कट गया, कैसे क्या हुआ पूरा? हमारा राशन कार्ड था, उसमें हमारा नाम नहीं चढ़ा था। हम नाम चढ़वाने को बोलते थे तो बोलते तुम्हारा एक ही काम है, हमें बहुत काम रहता है। और फिर उसके बाद बोले अच्छा तुम अपना प्रूफ दे दो, हम तुम्हारे नाम कार्ड करवा देंगे। प्रूफ पाते ही हमारा कार्ड बनवा दिए रसूलपुर शोभाराम के नाम, और हमें बनवा दिए एक हरिजन के घर में सदस्य बहू बना दिए। और जब राशन लेने गए तो बोले तुम्हारा कार्ड कट गया, तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, अब जाओ, जब बनेगा तब लेना। और फिर हमसे 200 रुपए लिए, बोले कि हम तुम्हारा कार्ड बनवा देंगे। आज तक वो हमारा पैसा भी नहीं दिए हैं। हम कैसे कैसे किसी से उधार लेके 200 रुपए दिए थे इन्हें। हमारे आदमी आए, बोले अब राशन दे दो, हमें पैसा ले लो। बोल रहे हैं नहीं मिलेगा, राशन नहीं है सीधा। जबकि तो बहुत लोग तो जिनकी बेटियां हैं और बहू नहीं है उनकी बेटी बहू दिखाया गया है, वो सब झूठ दिखा रहे हैं। आप कहीं भी पता कर लीजिए, जितने सदस्य हो घर में उतने लोग का आधार कार्ड मांगिए, बाकी लोग का मांगिए कि ये कौन है, अभी पता चल जाएगा। एक के पीछे चार चार यूनिट घुसा रखे हैं। बताइए ये सब राशन कहाँ जा रहा है फ्री का? ये सब खुद ही तो रख के बेच रहे हैं, महीने का 150,000 का माल इनका बिकता है। हालांकि इस फर्जीवाड़े को लेकर जब हमने कार्यवाहक जिला पूर्ति अधिकारी से बात की तो उनका जवाब भी एकदम रटा रटाया ही मिला। जांच करवा रहे हैं और कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो हम उसे ठीक कर देंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि एक्शन शुरू है और फर्जी यूनिट को डिलीट किया जा रहा है। जानकारी जब भी हुई है और जांच कराए हैं, जांच कराने के बाद अगर गलत यूनिट उस गांव में है तो संबंधित पूर्ति निरीक्षक को हमने निर्देशित कर दिया है कि वो यूनिटें जो है डिलीट तत्काल कर दें। जी हाँ, तो ये जांच हो चुकी है? हाँ, एक जांच हुई थी, उसी के हमने पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया है उस गांव की जितनी भी गलत यूनिट है उसको डिलीट तत्काल कर दें। जी, और ये जो है दो चार दिन में, मतलब एक हफ्ते के अंदर हम सारी यूनिटें जो है फर्जी जो भी रहेंगी वो डिलीट करवा देंगे। जबकि गड़बड़ी हो सकती है, अब ऑनलाइन प्रक्रिया है, कार्डधारक ऑनलाइन कराता है और वो जो है SI लॉगिन से एक्सेप्ट होता है, तो मान लीजिए जो बनवाया है राशन कार्ड उसी के स्तर से मेरी समझ से गड़बड़ी है। आप ही ऑनलाइन करा रहे हैं तो उसको अब आप ही कौन कौन सी यूनिट भरे हैं वो आप ही बता सकते हैं। जिन लोगों का है वो कहते हैं कि हम दो ही हैं, हमारे बेटा बेटी है ही नहीं है और चढ़ा हुआ बेटा। तो वो उनके पास ड्राफ्ट प्रारूप है या राशन कार्ड है तो उनको खुद ही देखना चाहिए ना कि मेरे पास जो है अलग से कहाँ से आ गया, उसको कटवाएं या संबंधित पूर्ति निरीक्षक को बताएं या विभाग को बताएं, उचित दर विक्रेता को बताएं उसको हटवाने के लिए। जब हमको जानकारी हुई तो हमने निर्देशित कर दिया पूर्ति निरीक्षक को कि जो भी इस तरीके का प्रकरण है उनियार का हो या कहीं का भी हो तो उसको तुरंत डिलीट कर साइट से हटा दें, डिलीट कर दें उसको, जिससे मतलब दुरुपयोग ना होने पाए खाद्यान्न का। अच्छा, हम एक केवल विभागीय आपसे प्रक्रिया जानना चाहते हैं,
कि अगर किसी का ये जो है मान लीजिए राशन कार्ड बन गया और फिर बाद में बढ़ती है, उस समय तत्काल राशन कार्ड पे नहीं चढ़ती और बाद में जब राशन कार्ड भर जाता तो फिर से वापस उस पर चढ़ती, इस तरह की प्रक्रिया है? नहीं, जैसे अगर आप बाद में यूनिट चढ़वा रहे हैं, आधार मान लीजिए आपके पास नहीं है, बाद में आपने आधार बनवाया, उसको आप दे रहे हैं कि यूनिट बढ़नी है, तो बढ़ जाती है आपके कार्ड पर, दर्ज हो जाएगी। हाँ, और अगर कार्ड पर नहीं चढ़ी थी, ऑनलाइन चढ़ गई थी? नहीं, ऑनलाइन ही आप करा के देंगे उसका प्रिंट आउट निकाल के, उसके बाद एसआई लॉगिन से एक्सेप्ट होगा, फिर DSO लॉगिन से अनुमति मिलेगी, फिर आपके कार्ड में दर्ज हो जाएगी। अच्छा जी, तो जब बढ़ जाती तो यूनिट ज़्यादा मिल लेता? हाँ, ये कि अगर जितनी भी यूनिट रहेगी पर यूनिट 5 किलो के हिसाब से खाद्यान्न मिलेगा अगर PHS का है तो। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।